लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। जल्दी में हो जी? तुमसे एक बात करनी थी जी। कल हरकिशन लाल का खत फिर आया था। वक्त निकलता जा रहा है, वो लोग सुनीता को कब तक बिठाए रखेंगे? पापा मैं अभी क्या रखे। यूं तो सुनीता को उनसे मैं बहुत पहले मांग चुका हूं, पर ये कोई और लड़की दिमाग में है? नहीं पापा, कोई खास नहीं। बाय पापा। रघु दरवाजा खोल। मामा ये और ये नमस्ते। अरे और ये मेरा भाई है रघु। हाय हाय। आओ आओ बैठो। तुम्हारे बारे में इतना सुना है आरती से कि ना मिला थी तू भी पहचान जाती। दीदी के पास फोटो भी तो देखी थी। बहुत बुराई करती होगी मेरी। जी हाँ, दीदी कहती थी आप बहुत झूठे हैं।
अरे आरती तू चाय वाय। हाँ तू बैठ मैं जाती। नहीं मामा आप बैठिए। आरती मिठाई भी लेती है ना, हमारे घर पहली बार तो आए हैं। जी लेकिन आखिरी बार तो नहीं। नहीं बेटा ये तो तुम्हारा ही घर है। घर नहीं ससुराल। नींद तीर है, ती है हल्का सा नशा।
एडवांस तो दे आया हूं, पर देखो फ्लैट खाली हो जाए तो है। विकास, तुम ये क्यों माने बैठे हो कि तुम्हारे पापा इस बात को नहीं ही मानेंगे? मैं उन्हें जानता हूं, पर इस तरह पहले से सोच लेना। पर वो मेरे पापा हैं आरती। ये है आरती पापा। नमस्ते। गॉड ब्लेस यू। मैंने कहा था ना, मैं उन्हें जानता हूं। चलो आरती, तू कहे तो मैं कल स्कूल से लौटते हुए विकास के पिता से बात करके देखूं। मामा। हाँ आरती, मैं तो बेटी वाली हूं। मामा, विकास को ये सब अच्छा नहीं लगेगा। पर बेटी, इस तरह उनको नाराज करके बिना उनके आशीर्वाद के ये क्या सही है? वो मैं कुछ नहीं जानती। विकास की मर्जी के खिलाफ मैं कुछ नहीं कर सकती। बहुत इंतजार करा रही है यार। अरे अपनी तो छोड़ ब्रदर, भाई तो एक घंटे से खिड़की में लटके हैं। ये शादी की पहली स्टेज है। शादी के बाद छोटे सरकार भी जम के ओवर टाइम किया करेंगे और वो इंतजार। पर तुम कैसे जानती हो? अरे शादी नहीं की तो क्या हुआ मुन्ने, बारातें तो एक दिन की हैं। पता नहीं कहाँ रह गई इतनी देर। ये सोचना तुम्हारा काम है छोटे सरकार, लेकिन बड़े सरकार क्यों नहीं आया? अब क्या अपनी बीवी को फोन पर ओवर टाइम की वजह एक्सप्लेन कर रहे होंगे? जाहिर है। मेम साहब वो आ गए। आइए आइए। हाँ आरती, आप कहाँ रह गए थे इतनी देर? हाँ, ये है शर्मा, सीमा, दिलीप दवे मेरे कलीग्स, और ये है आदि मेरी बीवी, होने वाली वुड बी, और मैं हूँ हो सकती थी खुद भी। वैसे छोटे सरकार हम तो हार गए। विकास, सुना तुम्हारी वो इधर आ गई। हेलो यंग लेडी, आई एम चैटर्जी। आरती, हमारे बॉस। विकास, कांग्रेट, परफेक्ट चॉइस, एकदम नमकीन रसगुल्ला। अप्लाई कर दिया? जी हाँ। व्हेन इज द डेट? 29 सर। ऐसा क्यों बोलता है, कुछ नहीं है क्या? कुछ नहीं सर, वो मैंने आपसे कहा था ना। हाँ। और फिर वो मकान वकान का तो अभी तक। अरे दैट विल सी, दैट विल सी। कंग्रेचुलेशन विकी जी। आई सेड कंग्रेचुलेशंस जी। मैं आपको बताने ही वाला था। रजिस्ट्रेशन परसों ही है ना? जी। इसी का डर था मुझे कि तुम इस बार भी अपना रास्ता अलग ना कर लो। विकी, मैंने आज तक तुम्हें कभी नहीं रोका कि शायद बचपन में मां के ना रहने से ये जिदें तुम में आ गई हैं। ना तुम मेरी मर्जी से पढ़े, ना नौकरी की, लेकिन ये मैं कभी नहीं सोच सकता था कि तुम्हारी शादी की खबर मेरे ऑफिस का एक अदना सा चपरासी कोर्ट का नोटिस पढ़कर मुझे बताए। विकी, तुम नौजवान हो, तुम ही बेहतर समझ सकते हो ये कैसा रिश्ता हम दोनों के बीच। इसका जवाब तो आपके पास भी होगा। ये बात आप पहले भी कई बार कर चुके हैं। उसी सबका नतीजा है ये कि तुम उस वायदे को भी पूरा ना कर सके जो आज से बरसों पहले मैंने अपने दोस्त हरकिशन लाल को दिया था। वादा करने से पहले आपने मुझसे पूछा नहीं था पापा।
हाँ, अगर तुम्हारी जैसी औलादें होती नहीं तो पैदा करने से पहले भी मां बाप को उनसे पूछना पड़ेगा। नहीं विकी, नहीं, इस बार मैं तुम्हें माफ नहीं कर सकता। मैंने कोई गलती नहीं की। की नहीं, पर करने जा रहे हो। विकी, अब भी वक्त है, उसे कुछ दे दिलाकर रफा दफा करो। क्या कह रहे हैं पापा? ठीक है, तो फिर मेरा भी फैसला सुन लो। अगर सुनीता को तुमने इस घर में नहीं आने दिया है तो वो स्कूल टीचर की लड़की भी यहां नहीं आ सकती। ये मैं पहले से जानता था। जानबूझकर भी तुमने ऐसा किया? नहीं, अपने बात का भी ख्याल नहीं किया? कोई फायदा नहीं, आप मुझे नहीं समझा सकेंगे और मैं आपको। अब तो मेरा चांस डेफिनेटली गया। लेकिन हम लोग जा कहाँ रहे हैं? आपके दौलत खाने पे हुजूर। मतलब? अरे मतलब आपके घर। जो बचा कुचा सामान पड़ा है उसको उठाओ और चलो हमारे साथ। लेकिन कहाँ? मिस्टर चटर्जी के एक दोस्त 2-2.5 महीने के लिए अब्रॉड जा रहे हैं। इस बीच तुम उनके बंगले में आराम से रह सकते हो और तब तक कोई ना कोई मकान तो मिल ही जाएगा। जल्दी जाओ और सामान ले आओ, तब तक मैं गाड़ी बाहर लगाता हूँ। जा रहे हो? एक बार फिर सोच लेते। आई एम सॉरी पापा। क्या कुछ सोचा था इस दिन के लिए? खैर, अपनी अपनी किस्मत। फैसला आपका है पापा। वेलकम होम, आई मीन टेम्पररी होम। हाउ डू यू लाइक इट? इट्स अ ब्यूटीफुल हाउस मिस्टर चटर्जी। थैंक यू। आरती, सीमा, आओ। विकास, दिस इज ड्राइंग कम डाइनिंग हॉल एंड दैट इज किचन और बेडरूम विथ अटैच बाथ ऊपर। जब तक तुम्हें दूसरी जगह नहीं मिले यहीं रह सकते हो। थैंक यू वेरी मच सर। क्यों, कैसा रहा? भालो भालो नो, खूब भालो, खूब भालो, खूब भालो। ए, क्या सोच रहे हो? कुछ नहीं। कुछ तो? पापा के बारे में सोच रहे हो? आज सब थे आसपास, पापा वहां अकेले, पर हो ही कह सकता है। सब ठीक हो जाएगा सोना, सोचने से तो कुछ नहीं होगा। हुँ? और वादा करो आज के बाद किसी भी बात को लेकर अकेले नहीं घुटोगे। जी हाँ। Thank you.
कहाँ रखूं? अरे ऊपर रखो प्लीज, इतने दिनों के बाद इंटरेस्टिंग प्रोग्राम आया है। इंटरेस्टिंग प्रोग्राम आया? पहले भी कभी इंटरेस्टिंग प्रोग्राम आया था जो आ जाएगा? संभल के। हाँ 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 संभल। नीता मेरी बच्ची। महके हुए से राज है, आपकी आंखों में कुछ महके हुए से राज है। आपसे भी खूबसूरत आपके अंदाज है, आपकी आंखों में कुछ महके हुए से राज है। लब हिले खिलते हैं कहीं, लब हिले तो मोगरे के फूल खिलते हैं कहीं। आपकी आंखों में क्या साहिल भी मिलते हैं कहीं, आपकी खामोशियां भी आपकी आवाज है। आपकी आंखों में कुछ महके हुए से राज है, आपसे भी खूबसूरत आपके अंदाज है, आपकी आंखों में कुछ महके हुए से। चलेगा। अरे अरे लेकिन लेकिन मैं एक्सरसाइज कर रहा हूँ, क्या क्या करती हो? अच्छा अच्छा सुनो, एक बार एक बार वन लेकिन एक आपकी आंखों में कुछ महके हुए से राज है, आपसे भी खूबसूरत
आती आती कितनी बार तुमसे कहा है बाथरूम में टॉवल रखा करो, तुम रखती नहीं हो, रखती नहीं हो, अब तो मैं इससे पूछूंगा, अब तो मैं नहीं छोड़ूंगा, मैं तो इससे पूछूंगा। अब जाओ जाओ जाओ। टेलीग्राम किसका है? इसे हाथ से खाली करना होगा, वो लोग आ रहे हैं। ओह माय गॉड, आप वो रही बालकनी और ये रहा हॉल और उस तरफ है बेडरूम। आइए मैं आपको बेडरूम दिखाऊं। लोकेशन बहुत बढ़िया साहब, 24 घंटा पानी। और साहब एक बात बताऊं, मुंबई में जो मकान मेरे पास है ना, आपको इससे बढ़िया मकान और कहीं नहीं मिलेगा। आइए ये रहा बाथरूम, नीचे उतरते ही मार्केट नजदीक और इस तरफ बहुत सारे सिनेमा। वो तो ठीक है, लेकिन किराया कितना पड़ेगा? किराया बहुत मामूली किराया साहब, 750 रुपया महीना, 6 महीने का डिपॉजिट और 1 महीने का चालू भाड़ा। कोरिया चल दिया साहब वाला किचन उगड़ू दाखा। नहीं नहीं वो रहने दीजिए। क्यों मकान आपको पसंद नहीं आया? जी नहीं, दरअसल 750 किराया दे देने के बाद किचन की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। कोरिया सारे दरवाजे बंद करो। टैक्स दीदी, अरे रघु दीदी संभाल के, संभाल के ना, मुझे दे। बताऊं बेटा, अच्छा नहीं लग रहा है इस तरह गेस्ट हाउस में। नहीं मामा, वहां कोई तकलीफ नहीं होगी, फिर कुछ ही दिनों की तो बात है। अच्छा कल चर्च के मिलेंगे। सुनो ऑफिस के बाद साथ ही आ जाए करेंगे और रात का खाना भी देखेंगे। आरती तुम कल आई क्यों नहीं वहां? मैं इंतजार कर रहा था। कौन थी वो? कौन कौन? झूठ मत बोलो, जिसे मिलना था वो मिल गई, तो मेरा इंतजार किस लिए? क्या कह रही हो जान, कौन मिल गई? वही पटाखा जिसे हंस हंस के बातें हो रही थी। वो कोई नहीं आई थी बॉम्बे, शैतान का रास्ता पूछ रही थी। अच्छा तो रास्ता बताने साथ साथ क्यों नहीं चले गए उसके साथ? अगर बाकी चला जाता तो कच्चा चबा जाती तित्री को। इतना जलोगी तो काली हो जाओगी जान। हो जाऊंगी। अच्छा सुनो, शाम को मिलती है जो बीच पर? क्यों? एक जरूरी काम है जान, मिलती हो? कम ऑन जान, तुम्हें मेरी कसम। खूब जानती हूँ तुम्हारी कसम, झूठे कहीं के। सच जान, कितना डिसअपॉइंट हुआ था मैं, शायद नींद भी नहीं आई। क्यों जान तुम समझते क्यों नहीं हो? सुनो आज एक काम करते हैं, आज किसी होटल में चलते हैं। अच्छा क्यों? वहां आराम से बातें करेंगे। बातें यहाँ नहीं हो सकती है क्या जान? अरे प्लीज, ये क्या कर रहे हो? कोई देखेगा तो क्या सोचेगा? क्या सोचेगा जान, इतना भी क्या? तुम कह रहे थे तुम्हारी कंपनी को फ्लैट मिलने ही वाला है। हाँ वो तो है, लेकिन वो एक मिस्टर वर्मा रहते हैं, वो एक अपना मकान खरीदने वाले हैं। जब उनको मकान मिलेगा तब उनको वो फ्लैट मिलेगा। जान प्लीज चलो ना, जान प्लीज। देखो देखो वो यहाँ हवलदार भी देख रहा है, चलो ना। हवलदार? अरे बाप रे, चले चलना चाहिए ना। चल
आता हूँ। यस मिस, व्हाट कैन आई डू फॉर यू? एक कमरा चाहिए। सिंगल या डबल? डबल। नाम? अपना नाम बोलिए साहब। विकास, विकास चंद्र। मिस्टर विकास चंद्र एंड मिसेस, मिसेस, मिसेस। ओ मिसेस, मिस्टर एंड मिसेस विकास चंद्र। साहब कुछ कुछ चाहिए? नहीं। कुछ स्नैक्स थोड़ा? नहीं कुछ नहीं। अच्छा साहब। सुनो, यहाँ और लोग भी आते होंगे हमारी तरह। हाँ। और ये लोग सिर्फ चादरों में पिलो केस बदल देते हैं, है ना? हाँ जान, ये होटल है, तुम तो एक मिनट। यस टॉल साहब, थैंक यू, वेलकम। जान, चलो ना यहाँ से, अजीब लग रहा है यहाँ। क्यों? लगता है बाजार में है। इन दीवारों के आर पास सब कुछ देखा जा सकता है। कैसी बातें कर रही हो? सभी कुछ जान, हर चीज जैसे इस्तेमाल की हुई, अपना कुछ नहीं। मैं जो हूँ? पता नहीं क्यों यहाँ इस बिस्तर में तुम भी अजनबी लगते हो। चलो ना जान। चलो ना। वाह बहुत अच्छे। क्यों है ना चीज? वाह कई चीज। सर आप? पांडू। यस सर। पांडू नहीं सर, पांडू बचन, बचन सिंह पांडू। गुड इवनिंग सर। सर गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, वेरी वेरी गुड इवनिंग मैनेजर साहब। कहिए क्या हाल है आपके? दुआ है, दुआ है। कहिए हम आपकी क्या खिदमत करें हुजूर? खिदमत तो हम आपकी करेंगे। बोलिए धंधा कैसा चल रहा है? अजी कमा के खाना मुश्किल है हुजूर, धंधे में बड़ी गड़बड़ है। ओ, और वो गड़बड़ का धंधा? गड़बड़ का धंधा हुजूर, आप तो मजाक कर रहे हैं हुजूर। हम मजाक कर रहे हैं। बचन सिंह। यस सर। पांडू। यस सर। हमको जोकर समझते हैं। क्या हम आपको जोकर लगते हैं जी? नहीं हुजूर। तो फिर जरा इधर आइए। बचन सिंह, तुम इनको बताओ कि हम किस काम से आए हैं। हाँ बहुत जरूरी काम से आए हैं हुजूर। काम हम तो होता रहेगा, जरा वो हो जाए, वो क्या कहते हैं, वो रिलैक्सेशन। मातृभाषा में बात करो, रिलैक्सेशन। रिलैक्सेशन। काम पर बात क्या मत करो, हरी अप, कैरी ऑन। मैनेजर साहब, असिस्टेंट मैनेजर। हाँ हुजूर। पकड़ो जरा ये रजिस्टर। मिस्टर मिसेस दलाल, मिस्टर मिसेस बाजू, मिस्टर मिसेस गोयल, यहाँ पर कितने स्त्री पुरुष रह रहे हैं? 14 यानी 14। 17 तो रजिस्टर में ही दिखाई दे रहे हैं। बंद करो ये रजिस्टर, गड़बड़ ज्यादा, टाइम कम। फॉलो मी। हुजूर इधर नहीं, इधर तो उधर चलिए। बाथरूम, सॉरी पहले बोलना था। हमको किसी तरह का भी गड़बड़ नहीं मांगता है। नहीं हुजूर, कोई गड़बड़ नहीं होगी यहाँ पे। ओ ढको ढको हवलदार, ढको 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 ढको, ढक दिया। जी हाँ हुजूर, ढक दिया। आउट, तीन सौ तीन। ओह माय गॉड। चला चला। आप तो कह रहे थे इस होटल में कोई गड़बड़ नहीं है। हुजूर ये तो सब पति पत्नी है हुजूर। ये सब के सब पति पत्नी? हाँ। ये क्या? ये भी पति पत्नी। इधर भी पति पत्नी। अरे मिस्टर पति। ओ द्वारका प्रसाद जी। नमस्ते जी। नमस्ते। नमस्ते नमस्ते जी। यहाँ तो सिर्फ पति है, पत्नी किधर है?
ये कोट आपका है? जी हाँ जी हाँ। इसको हैंगर में लटका दे। नहीं 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 आउट दिस साइड। बच्चन सिंह, बच्चन सिंह, बच्चन सिंह, आप बच्चन सिंह हैं? तुम्हें बाहर चलो, मुझे बच्चन सिंह, बच्चन सिंह, बच्चन सिंह, बच्चन सिंह। ओपन द डोर, दरवाजा खोलिए। क्या लगता है बंबई में सबके सब शादीशुदा हैं? कोई कुमारा बचा ही नहीं है? उधर उनको बोलिए कि ढक दें। What nonsense, Inspector? Oh my God, बदतमीज, वो तो साली पहने हुए। हाँ, तो आप भी पति पत्नी मतलब मियाँ बीवी? जी हाँ। अंदर क्या कर रहे थे? ओहो, बच्चन सिंह, ये भी कोई पूछने की बात है। सर, सर ये वही है जो जू बीच पे थे। क्या कर रहे थे लोग? सर ये भी कोई I understand. तो आप मिस्टर और ये मिसेस? जी हाँ बिल्कुल। बच्चन सिंह खबर ठीक? लगता है बंबई में अखिल भारतीय पति पत्नी सम्मेलन हो रहा। चलिए। कहाँ? थाने में। What nonsense, Inspector? जो कुछ भी कहना है वो थाने में चलकर कहिए। लेकिन इस तरह हम लोग? इस तरह पैदल नहीं, नीचे गाड़ी में। टोटल के टोटल पति पत्नी नीचे गाड़ी में बैठे हैं। आप भी चलिए। चलिए मैनेजर, बाकी पत्नियां किधर है? गाड़ी में हुजूर। चलिए बटन बंद कीजिए और चलिए आइए। चलिए। नमस्ते नमस्ते। चलो एक एक को ठीक कर दूंगा। बंद करो ये सब दरवाजे। आप इस लड़की के चाचा जी हैं? जी। पांडव। यस सर। आई लव। आप खड़े क्यों? काम हो गया, काम पर जाओ। नो वेस्ट योर टाइम इन दिस ऑफिस। तो चाचा जी एक बात बताइए, आजकल आपकी कितनी भतीजियां हैं? भूल गए ना, हम याद दिलाते हैं आपको। पिछली बार आपकी 16 भतीजियां हैं। चाचा पर नहीं छोड़ेंगे आप? नहीं मानेंगे आप हमारी बात? हाय पांडु। जी सर। ले जाओ सबको यहाँ से, ले जाओ। यस सर। और एक आदमी को इनके घर भेजो, बाकी भतीजियों को यहाँ लाने के लिए। आउट यू गो एवरीबॉडी इनसाइड। गो चाचा जी। बट इंस्पेक्टर, दिस इज अट्रोशियस। ए मिस्टर, अंग्रेजी बोलकर रौब मत झाड़िए। मैंने आपसे कितनी बार कहा कि हम सचमुच मियां बीवी हैं? देखा नहीं आपने, यहाँ सब के सब मियां बीवी। आपने कहा आप मियां बीवी हैं, हमने मान लिया। आपने कहा आपको फोन करना है, हमने फोन करने दिया। अब अगर आपको बाथरूम जाना है तो आप जा सकते हैं। जी नहीं। एक्सक्यूज मी, मुझे जाना है। सर, विकास, कितनी शर्म की बात है, शादी के बाद भी हम तो सोच भी नहीं सकता। जरा सोचो तो, आरती को पता चलेगा तो उसकी क्या हालत होगी? नहीं सर आप। अरे नहीं सर, नहीं सर, क्या कर रहे हो? रास्ते की छोकरी आरती कहाँ है? सर वही तो मैं आपसे। ये रही आरती। तो तुम थे विकास के साथ? ओ नो, व्हाट अ शेम। सर ये तुम टक्कर, यू आर हियर, लेकिन टेलीफोन पर मालूम नहीं हुआ कि तुम इधर है। मिस्टर चैटर्जी भी? माय गॉड। नहीं सर, ये वो नहीं है। मैं इनको जानता हूँ, सबके सब इधर ही आ गए। नहीं लेकिन वो आउट। नो बहस, आउट। मिस्टर चैटर्जी आप भी? नहीं नहीं नहीं, हम विकास और आरती के लिए इधर आया। ये हमारे ऑफिस में काम करता है और ये इसकी मिसेज है। They are newly married. God, इसका मतलब ये कि सचमुच मियाँ बीवी है? हाँ। Oh, बच्चन सिंह, you are an idiot. Out you go. गधे सर, गधे। बच्चन, ये मेरा फर्ज था। It's a matter of duty. मुझे निभाना था। I'm so sorry, Mr. Vikas. अगर आपको किसी होटल में जाना ही था, तो किसी अच्छे खासे होटल में जाते इस गधे के। Anyway, that is another story. आप लोग जा सकते हैं। लेकिन सर? हाँ? बिना सबूत पांडु। एक बच्चन सिंह, दूसरा पांडु। मैं इन दोनों की फाइल बढ़वा दूंगा। नाइस मीटिंग सर। थैंक यू कुमटाकर। इट्स माय प्लेजर, यू आर ऑलवेज वेलकम। नमस्कार। नमस्कार आरती।
उम्मीद है अब की बार आप किसी अच्छे होटल में जाएंगे। जी हाँ, ऑल द बेस्ट। थैंक यू, थैंक यू वेरी मच। नमस्कार। नमस्कार देवी। मिस्टर पांडू जी। सर, यहाँ का अफसर कौन है? हु इज द ऑफिसर? जी आप। तो तुमने बेवकूफी की बात क्यों की? हाय, नाउ गेट आउट फ्रॉम हियर एंड ब्रिंग अ कप ऑफ टी फॉर मी। एक कप चाय अभी लाया सर। आउट यू गो। मैनेजर जी। हुजूर, वो पापा की बात मान लेते उस वक्त तो ये सब परेशानी क्यों होती? क्या परेशानी है? यही मकान। अच्छा एक बात बताओ, कभी कभी मन में तो आता ही होगा क्या? अपना घर छोड़ना, पापा को नाराज करना, सब मेरी वजह से। फिजूल। और कोई बात नहीं है करने को? मैंने कुछ गलत कहा? नहीं सोचते कभी? सोचता हूं सर तुम्हारा। ये तो नहीं कुछ करो इस प्रॉब्लम का। ऊपर से ये सब लेकर बैठ गई। अरे इसमें डांटने की क्या बात है? बात आराम से भी तो हो सकती है। तुम सोचो ये सब, मेरे पास कुछ और भी है सोचने को। क्या हुआ? विकास ऐसे कैसे चला गया? कुछ नहीं मामा। रघु मेरे साथ चलते जरा। झगड़ा हुआ तुम दोनों में? नहीं, डिस्कशन। मामा मैं उन्हें लेके अभी आती हूँ। बचपना। और उसने समझे मैं सचमुच नाराज हो गई। अरे आप यहाँ बैठे और हम आपको कहाँ कहाँ ढूंढ रहे थे। तू बैठ यहाँ, मैं तेरे लिए और चाय लेकर आती हूँ। चल चल मेरे साथ। गंदे। क्या है? चाबी। काहे की? घर की। घर की? हाँ, आखिर वर्मा को मिल गया मकान। तो क्या बुद्धू? वही प्लान। हाँ? पूरा का पूरा। मामा घर मिल गया। मामा घर मिल गया। मामा बोतल से एक बात चली है, फागुड़ा की रात चली है। बोतल से एक बात चली बात चली है, कांगड़ा के रात चली है। बोतल से एक बात चली है, कांगड़ा के रात चली है। मिस्री घुल जाएगी, चांद से होंठ लगा के पीना। ओ बोतल से एक बात
बात चली है, कहाँ गुड़ा के रात चली है। वादों वाली रात आई है, आज की रात इनकार न करना। हर वादों वाली रात आई है, आज की रात इनकार न करना। चली है कागड़ा के रात चली है, बोतल से एक बात चली है, कागड़ा की रात चली है। आई बनवारी लाल। मेरा नाम विकास चंद्र है। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। आप एजीसीआर में हैं? जी हाँ, पहले था, आजकल तो शेयर बाजार में दलाली करता हूँ। तो वो नेम प्लेट जो है वो तो छक्कू की माने पोजीशन के लिए लगा रखी है। अच्छा अच्छा। ये अखबार रोज मंगाते हैं आप? जी रोज ही आता है। मैं भी पढ़ लिया करूंगा, बचत। वैसे बच्चों की वजह से बचत कहाँ? वो तो वो रात को पार्टी कैसी रही? जी बहुत अच्छी थी, बहुत मजा आया। पड़ोसियों को बुलाने की आदत तो नहीं होगी आपके? वो वैसे अब की बार पार्टी होगी तो मैं अवश्य आऊंगा। जी हाँ, जरूर आइएगा। जी आपसे माफी चाहता हूँ, आपको बहुत तकलीफ थी हम लोगों ने। आप सिगरेट पीने से कैंसर होता है? जी कुतीड़ी से नहीं होता। जी चलो वो तो सच्ची शादी करा के मारे गए। गॉड। गुड मॉर्निंग। अरे अखबार पढ़ रहे हो? आइसक्रीम खा रहा हूँ। एनी इंटरेस्टिंग न्यूज? बहुत बहुत इंटरेस्टिंग। क्या क्या कर रहे हो गंदे? ये साड़ी है, दुपट्टा है, क्या है ये? ये मेरे उनकी पगड़ी है। ओह, आप वो हैं, सरदार जी हैं। मैं प्रेमा हूँ, प्रेमा कौर। और आप? आरती चंद्रा। और आपके हस्बैंड? विकास चंद्रा। न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी है ना, वहाँ काम करते हैं। लगता है नई नई शादी हुई है। जी हाँ, चार महीने हुए हैं।
सारा दिन घर में अकेले उब नहीं जाती हो? जी नहीं, कहा ना अभी 4 ही महीने हुए हैं। अच्छा, कभी उब जाना तो मेरे घर चली आना। अच्छा, शायद तुम्हारे यहाँ कोई आया है। मैं भी आई। तेरी जुल्फ कह रही है तेरी रात का फसाना। सच्ची शादी करा के मारे गए। क्या कह रहे हो? मैं नहीं कह रहा, एक साहब है बनवारीलाल, हमारे फ्लैट के सामने रहते हैं, उनका तकिया कलाम है। उनका तकिया छोड़ो, अपने बिस्तर की बात करो। कैसा रहा? रहा तुम्हारा सर? चलो चलो जल्दी से वो अकाउंट पूरे करके दो मुझे। बोलो ना कैसा रहा। आज मैं जल्दी चला जाऊंगा, आरती को शाम को शॉपिंग ले जाना है मुझे। बोलो ना कैसा। कमॉन 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 नाउ, क्विक क्विक। बोलो ना। कमॉन नाउ, बी अ गुड गर्ल। कैसा रहा? भूषण तो बिल्कुल पागल है, लेकिन दिल का अच्छा है। हाँ, एक तो भूषण अच्छा है और दूसरे हमारे ये बनवारी लग। अरे अरे, ये क्या कर रहे हैं यहाँ? सुसु कर रहा हूँ। सुसु? ये सुसु करने की जगह है? तुम भी कर लो ना, तुमको मना क्या है क्या? अरे तुम्हें तो चल। मुझे बदतमीज नालायक, समझ में नहीं आता, इतने दिनों से पढ़ने का नाम नहीं लेते, अकल के ब्रह्मचारी। बनवारी लाल जी क्यों मारे इसे, बच्चा ही तो है। अजी अब क्या बताऊं, बिगड़ते जा रहे हैं, समझ में नहीं आता कि इनके लिए क्या किया जाए। अगर आप बुरा ना माने तो एक बात कहूं, इसे यहाँ पेशाब करने की बुरी आदत पड़ गई है। जरा चुप जी। नहीं, वो पंचू की आदत है, ये तो चोकू है। अजी पकड़ना है सिक्कू को, रुपया लेके भागा जा रहा है। अरे बनवाले लाल जी, जी आपने इन सब बच्चों को एक ही डिजाइन के कपड़े क्यों पहने रखे? अजी क्या बताऊं, नीचे जाता हूं तो अड़ोस पड़ोस के बच्चे पापा कह करके पैसे मांग ले जाते हैं, इसलिए पहचान के लिए सबको एक ही छीट के कपड़े बनवाए हैं। सच्ची शादी करा के मारे गए। हाँ, वो तो हम तो शादी करवा के नहीं मारे गए ना। हेलो आरती, मैं विकास बोल रहा हूँ। हाँ हाँ, मैं जानती हूँ। अरे इसमें इतने उखड़े क्यों बोल रही हूँ? और नहीं तो क्या, घर में बैठे बैठे बोर हो रही हूँ। हाँ जान, मैं भी यही सोच रहा था, शाम को पिक्चर चलते हैं, स्टर्लिंग पहुँच जाना। लेकिन मैं आऊंगी कैसे? अरे इसमें मुश्किल क्या है, घर के सामने से बस मिलती है 212, दैट विल ड्रॉप यू नियर द स्टेशन, वहां से 83 लेकर सीधे स्टर्लिंग पहुँच जाना। नहीं नहीं, मैं दो दो बस नहीं बदल सकती, मैं स्टेशन तक आऊंगी, तुम वहां से मुझे ले लेना। जान मैं ऑफिस छोड़ के कैसे आऊंगा? अच्छा एक काम करो, तुम टैक्सी लेकर आ जाओ। नहीं, मैं टैक्सी में अकेले नहीं आ सकती, मुझे डर लगता है। डर काहे का? कोई मुझे भगा कर ले गया तो? फॉरगेट इट, ऐसी कोई खूबी नहीं है तुम में। क्या? अरे हमने बीवी ऐसी चुनी है, चोरी चकारी का कोई खतरा ही नहीं। बहुत खराब हो तुम। ये सीडी कौन बजा रहा है? एक बदमाश। मेरे अलावा और कौन बदमाश है इस घर में? अरे बाबा, कुकर है कुकर, जहाँ चूल्हे पे चढ़ा सीटी बजाने लगता है। क्या पका रही हो? मटन। खुशबू यहाँ तक आ रही है। अरे जल रहा होगा इसलिए, मैं जाती हूँ, शाम को 6 बजे, बाय। ओहो विकास बाबू, कहाँ को जा रही हो विकास बाबू? जी बस वो, नहीं नहीं कोई बताने में परहेज हो तो? जी नहीं, वो छलिंग सिनेमा तक। इंग्लिश पिक्चर जा रही हो? एस है भैया एस। अकेले ही जा रहे हो या कोई? जी वो आरती है वहाँ, इंतजार कर रही होगी, मैं चलता हूँ। तो आओ बस में छोड़ देंगे। जी नहीं, पैदल चला जाऊंगा, शुक्रिया। हाँ भैया, टांगों में बड़ा जोर है, हम तो शादी करा के मारे गए।
जिया जाए ना, तेरे बिना जिया जाए ना, बिन तेरे तेरे बिन साजना, सांस में सांस आए ना, हो तेरे बिना जिया जाए ना। जान एक आइडिया है। बोलो। पिक्चर हाजिर है। मजाक छोड़ो, तुम तो हमेशा। अच्छा अच्छा, तुम पिक्चर की बात कर रही थी ना। हाँ। अच्छा तो अरे डीसी का की बहुत अच्छी पिक्चर लगी है, सनफ्लावर। नहीं नहीं नहीं। हाँ? मैं तो अमिताभ बच्चन की पिक्चर देखती। नहीं नहीं, आज हिंदी पिक्चर नहीं, हर संडे को टीवी में हिंदी पिक्चर ही देखते हैं। हाँ जान। तुम्हारे डीसी का तुम्हें पता है उस पिक्चर में क्या होता है? अरे सर नहीं, उस पिक्चर में हीरो हीरोइन 18 दिन तक कमरे से बाहर नहीं निकलते। तो क्या करते हैं? मूंगफली खाते हैं। शादी के बाद मियां बीवी क्या करते हैं? कुछ भी करते हो, हमें क्या? अरे कुछ भी नहीं, बहुत प्यार करते हैं, प्यार करते हैं और सो जाते हैं। और उन्होंने अपने कमरे में 300-400 अंडे लाके रखे हुए हैं। अंडे? हाँ अंडे। जागते हैं, 20-25 अंडे की आमलेट बनाते हैं। हाँ? खाते हैं, प्यार करते हैं और सो जाते हैं। भूखड़ होंगे जान। हाँ? चलो अमिताभ बच्चन की नहीं, धर्मेंद्र की पिक्चर जरूर देखेंगे। फिर मुर्गे के तीन टांग। प्लीज जान। चलो
फीलिंग बेटर मिस्टर चंद्र? फिर्स माय वाइफ। वो भी आपके साथ थी? वो पूछ रहे हैं आपकी बीवी भी आपके साथ थी? लेकिन लेकिन मैं आप जख्मी हालत में हाईवे के पास बेहोश पड़े थे, आपके आसपास तो कोई नहीं था। नहीं, वो मेरे साथ थी। हम लोग सिनेमा से लाशों देखकर चार लोग, टैक्सी नहीं मिली, वो लोग टैक्सी में थे, हम लोग पैदल ही, टैक्सी रुकी और फिर यहां सर पर किसी ने जोर से, और फिर आरती को, चार लोग। रिलैक्स रिलैक्स मिस्टर चंद्रा। मिस्टर चंद्रा, उनके होश में आने पर एक बार फिर तकलीफ देंगे आपको। थैंक यू डॉक्टर। ये ले लीजिए, ये लीजिए। लोगों ने मिस चंद्रा, डॉक्टर वो होश में आ गई हैं। सवालों को जवाब वक्त पर ही छोड़ देना चाहिए। अरे?
मिसेस चंद्रा होश में आइए, क्या कर रही हैं आप? Please go out. Injection, please. कितनी बार कहा है, अकेले होती हो तो सिगरेट मत पिया करो। क्यों? धुआं मुझे अच्छा लगता है, मेरे सामने ही पिया करो। पर अकेले पीने का राजा, अकेले में सिगरेट पीने से होंठ खुश्क होकर काले पड़ जाते हैं। और सामने? सामने तो मैं तो बड़ा ही बुरा हुआ। अब इन अखबार वालों को भी देखिए ना, उस बेचारे की तो जान पर आ पड़ी, और इन्होंने कितनी चटपटी और मजेदार खबर बनाकर छापी है, देखा आपने? जानता हूं। तो मतलब ये खबर ठीक है? अब कैसी तबीयत है उनकी? बेहतर है। बहुत तकलीफ हुई होगी, लिखा है चार आदमी थे।
relevant papers submitted by you. Vikas, please, you may go. तुम आज भी ऑफिस आए? सर आप That's all right. इस ट्रेजेडी के बारे में सुनकर हम सबको बहुत दुख हुआ. It's all right, sir. ये फाइल बोल्टन एंड कंपनी की है. लेकिन तुम ऑफिस क्यों आए? दो चार दिन की छुट्टी ले लो एंड अटेंड टू आरती. आरती ठीक है सर, मैं समझ नहीं पा रहा कोई भी नॉर्मली क्यों पेश नहीं आ रहा, या जरूरत से ज्यादा हमदर्दी या मुझे छुट्टी नहीं चाहिए सर. ऑल राइट माय बॉय, लेकिन एक बात मानो, आज तुम घर जाकर आराम करो. ओके ठीक है सर. पुअर बॉय. तो कुछ नहीं, अब क्या हो सकता है? सभी कुछ क्या नहीं. ऐसा क्यों लगता है जान? लफ्जों से जख्म तो नहीं भरे जाते विकास. क्या हाल बना रखा है तुमने अपना? सुना सुना गला बहुत बुरा लगता है. ये लो और ये भी पहन लो, कल नए लाऊंगी. ये हाथ सभी कुछ वैसा है, कुछ नहीं बदला. एक्सक्यूज मी सर, डॉक्टर प्रसाद आपको बुला रहे हैं. अभी आया. ओके सर. अरे ना शान, ना 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 अभी है, अभी है. कैसी है? है अभी. नहीं पापा. विक्की ये सब हुआ कैसे? अखबार पढ़ने की आदत छूट गई पापा? नहीं बेटे. क्या सोचा है? आप अभी सोचते हैं? सुनो, बहू को घर ले चलो, उसे अभी यहीं रहना है. ठीक है, खबर कर देना, गाड़ी भेज दूंगा. आरती वहां नहीं जाएगी पापा, हमारा घर है. विक्की बेटे अभी तक नाराज हो मुझसे? तय कर लिया है, कभी वापस नहीं आओगे. लो बेटे ये रख लो. जरूरत होगी मांग लूंगा. महीनों बाद देख रहा हूं तुम्हें. एनीवे मुझे नाज है तुम पर. आई एम प्राउड ऑफ यू. जो होना था वो हो चुका डॉक्टर, पुलिस स्टेशन, कोर्ट, कानून, अब ये सब झंझट में पड़कर होगा क्या? और वो लोग, डॉक्टर हमने किसी का क्या बिगाड़ा था जो इस तरह? विकास
विकास धीरज रखो, कानून को अपना काम कर। कानून कानून, पता नहीं कानून हमारी जिंदगी को कैसे बदल सकेगा, आरती को कैसे समझा सकेगा, पता नहीं कैसे। डॉक्टर साहब कह रहे थे कुछ ही दिनों में तुम घर चल सकोगी, देखना सब ठीक हो जाएगा। आरती ऐसा नहीं करते बेटा, याद है जब तेरे बाबूजी नहीं रहे थे तब तू ही मेरे लिए बेटा बनी थी, नहीं तो मैं क्या अकेले ये सब संभाल सकती थी हा? और अब तू ही इस तरह। मैं तुझे नहीं जानती, विकास की तरफ देख, तू भी सब जान जाएगी। बेटा तू तो कुछ खा ही नहीं रही है, ले खा ले, चल खा ले। खा लो ना दीदी, ये तो ताकत किसी आएगी, स्ट्रेंथ। अबे मच्छर ले और पे यहाँ पे ठीक है, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अदर माल का क्या है, इधर से आता है उधर को जाता है। अबे दर्द हुआ मारे फिर गुस्सा। ब्रदर अंदर तो अपना घर है, बाहर तो हम कभी कभी तुम लोगों से मिलने के लिए चला आता है। अबे ओ अम्मा मर गई है क्या? सारा सोचता है यार, सारा सोचता है, देखो सारा सोचता है। तू लीडर है क्या? गड़बड़ होता है, चोरी चकारी आर पार सब। पंग किसी भला मानुस को तंग करना, किसको बात कर रहे है? वो देखना, वो देखना, कोई भला आदमी की बीवी को उठा के सत्यानाश कर दिया है। तू बोलना कौन किया होगा साला? अरे ब्रदर जो किया सो मजा लिया, तेरी घरवाली तो नहीं थी। सुनील सुनील तुझे जान तो मार दूँगा, किसे रखना तुझे जान तो मार दूँगा। कोई तो कर साला, हमारे बेटे पे दादागिरी करायला तेरे कित, चल जा घरी जा, जाऊन झोप। हेलो, हाय पुष्प, इनमें से किसी को आप पहचानती हैं? देखिए देखिए देखिए,
प्रसाद काज बाबू आप हैं। मैं समझा कोई चोर वोर होगा। बड़े अखबार खरीद लाए हैं साहब। अरे कुछ उदास नजर आ रहे हैं आप। परसों इलेक्शन है, किसे वोट दे रहे हैं? देश में किसी की इज्जत महफूज नहीं। आप अपने ही इलाके के विकास चंद्र की बात ही दीजिए। उनकी पत्नी की इज्जत पर सरेआम चार आदमियों ने हमला किया। क्या उनकी इज्जत आज वापस लौटाई जा सकते हैं? नहीं, मगर इस गुंडागर्दी को जैसे कभी किया जा सकता है और ये सेवा हम करेंगे। घर तो बड़ा साफ सुथरा लग रहा है। बैठो। लगता है बरसों बाद घर आई हूँ। चाय लोगी? बहुत चुप लगते हो। अब कैसी हो? ठीक हूँ। अरे तुम्हारी चाय ठंडी हो रही है। एकदम ठंडी हो गई ना? कहना चाहती हूँ साफ साफ क्यों नहीं कहते? सुनकर चली जाऊंगी मैं। कह क्यों नहीं देते कि मैं झूठी हो गई हूं? तुम मेरे साथ नहीं रह सकते। तुम बोल रहा हूं। क्या छोड़ मुझे, छोड़। अब मेरे पास बताए क्या है? या जाना फिर से मिल ले रहा हूं। कैसी बातें कर रही हो? जाओ पापा के लिए जाओ। सुनो मेरी, सुनो, देखो आप क्या कर रही हो? इस पर उम्मीद नहीं छोड़ते। सब कुछ तो है, तुम, विकास, घर, सब कुछ। तुम क्यों आ गई? क्यों नहीं आना था? अरे अकेले क्यों आ गई? मैं तो तुम्हें आया था लेने जान। डॉक्टर प्रसाद ने मुझे एम्बुलेंस में ही भेज दिया। आज मैं बहुत 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 खुश हूँ जान, तुम आ गई, घर आ गया।
तेरे बिना जिया जाए ना तेरे बिना। घर कितना गंदा कर रखा है। क्या करता जान, क्या क्या करता, किचन का काम, खाना बनाना, चपाती बना, चपाती चपाती जान, क्या चपाती बनाता हूँ मैं आजकल। अरे तुम खाओगे ना तो वाह 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 वाह। प्लीज जान, मैं तो भूल ही गया था। बैठो ना, बैठो बैठो, मैं अभी तुम्हारे लिए फर्स्ट क्लास चाय बना के लाता हूँ। नहीं हा? मेरे पास बैठो जान। विकास, मैं पता नहीं क्या क्या सोच रही थी जान। तुम डेफिनेटली बहुत थक गई हो। मेरे हाथ की स्पेशल चाय की तुम्हें सख्त जरूरत है, वो भी इलायची अदरक वाली। अभी लाता हूं, अभी लाता हूं। हाँ चाय गरम, जरा ट्राई करके देखिए मेरे हाथ की स्पेशल चाय। हाँ? तुम्हें तो भी ठीक नहीं है, चलो चलो आराम करो, चलो। फिर वही रात है, फिर वही रात है, फिर वही रात है ख्वाब की। फिर वही रात है, फिर वही रात है ख्वाब की। हो रात भर ख्वाब में देखा करेंगे तुम्हें, फिर वही रात है। कोई सपना चले ओ हमको बुला लेना तुम, पलकों के पर्दे चले। ओ ये रात है ख्वाब की रात है, फिर वही रात है, वही रात है, फिर वही रात है ख्वाब की। ख्वाब है आंखों में चुभ जाएंगे, हो पल को मिलना इन्हें, आंखों में रुक जाएंगे। ओ ये रात है ख्वाब की रात है,
फिर वही रात है, फिर वही रात है, फिर वही रात है ख्वाब की, ओ रात भर ख्वाब में देखा करेंगे तुम्हें, फिर वही रात है, रात है, रात है। आरती कैसी हो? ठीक हूँ। बहुत दुख हुआ अखबार पढ़ के, उन्हें भी बहुत बुरा लगा, वो कह रहे थे। प्रेमा चल अंदर। चलिए अब आप सो जाइए, रात का जितना काम था वो मैंने कर दिया। अरे क्या बात है, क्या हुआ जान? कुछ नहीं, जरा सा सर दर्द हो रहा है। सर दर्द हो रहा है? पहले क्यों नहीं कहा, अभी ठीक कर देता हूँ। सर दर्द, बदन का दर्द, सर्दी जुकाम, तकलीफ के उन दिनों में और वगैरह वगैरह के लिए वगैरह वगैरह का बनाया हुआ सेरिडॉन, सिर्फ एक टिकिया, खाओ 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 खाओ, अटकेगी। आओ ना जान, चलो लो खा जाओ। अटकी जान। एक बात कहूँ? हाँ कहो, हिंदी फिल्म देखने के अलावा कुछ भी कह सकती हो। सॉरी जान, मेरा वो मतलब नहीं था। जानती हूँ, पर यकीन नहीं आता। किस बात का? अच्छा विकास, मीता व सब कुछ इतने आसानी से धुल जाता है क्या? छोड़ो ये सब बातें, करने को उम्र पड़ी है अब। किस टाल रहे हो? टाल कर रहा हूँ। तो बीता हुआ सब नहीं धुलता ना, खून की दाग की तरह। बीते हुए कल के खूबसूरत लम्हों में यकीन करता हूँ मैं, उन्हें नहीं धुलने देता। और बदसूरती? खूबसूरती उसे ढक लेती है। जिंदगी क्या सचमुच इतनी आसान होती है विकास? बहुत आसान, और जब तुम साथ होती है ना तो और भी आसान। बात करते करते खो जाती है, हंसते हंसते खाली खाली नजरों से मुझे देखने लगती है, और फिर उस दिन कहने लगी कि बीता हो सब कुछ इतनी आसानी से धुल जाता है क्या, और ये भी कि बदसूरती खून के दाग की तरह होती है। कुछ समझ में नहीं आता। मैं बहुत समझाने की कोशिश करता हूँ, हंसकर टाल जाने की भी कोशिश करता हूँ, पर फिर भी लगता है। क्या लगता है? यही कि मन में छिपाई रहती है कोई बात, कह नहीं पाती। तुम समझती नहीं सीमा, अपना आप बोझ लगता है, विकास को क्या सहारा दूंगी? अब मेरे पास कुछ भी नहीं उसे देने को, मैं तुम्हें क्या बताऊं सीमा, मुझे अपना आप मैला लगता है। और विकास, विकास क्या? विकास के प्यार में कमी महसूस होती है तुम्हें? नहीं सीमा, मुझे पहले से कहीं ज्यादा प्यार करने लगा है वो, इतना ज्यादा कि यकीन नहीं होता। अठन्नी
गिर गई थी ना। नमस्ते भाभी जी। नमस्ते। कब आई अस्पताल से? देखा नहीं, तबियत पानी ठीक हो? चलो। सच्ची शादी करा के मारे गए भाभी, अब ठीक है ना? हाँ। उन बदमाशों को 7-7 साल की सजा हुई। मैं कहता हूँ गोली से उड़ा देना चाहिए था उनको। विकास, कुछ दिनों के लिए तुम बाहर क्यों नहीं घूमाते? क्यों? ऐसे ही, मतलब आई मीन फॉर अ चेंज। अकेले में क्या क्या सोचती रहती हूँ। नहीं सच, कोई भी नहीं है। नहीं बेटी, पहुंच जाऊंगी ठीक से मैं, और फिर रघु तो है ही। सोचती हूँ अगर तेरी शादी नहीं हुई होती तो क्या हेडमिस्ट्रेस के इस जॉब के लिए मैं यहाँ से रिजाइन कर पाती? हाँ? अरे तू ऐसे गुमसुम क्यों बैठी है? हाँ? ऐसे कुछ बात तो है। तुम्हें हर बात का पता है। क्या बोल रही है तू? विकास से कुछ बात हुई है क्या? कह रहा था जरूरी मीटिंग में बिजी है वो। मुझे क्या मालूम कहाँ बिजी है वो। आरती I'm sorry, Mama. I'm sorry. Mama. मेरा मतलब नहीं बेटा। मामा, टैक्सी आ गई। चलो। तुम जाके वो उठाओ। चलो मामा। आओ। चलो। चलो। बहुत दिनों से एक बात महसूस कर रही हूँ। कि घर में दो तीन नन्हे मुन्ने बालक हो, वैसे तो टाइम लगेगा एक काम करते। तुम सुनना ही नहीं चाहते बात। तो तुम एक बात महसूस कर रही हो,
बहुत दिनों से मुझे लग रहा है तो मुझे पहले की तरह प्यार नहीं करते। क्या 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 कहा? हाँ, पहले की तरह प्यार नहीं करते। और पता नहीं क्यों पहले की तरह नॉर्मल भी नहीं लगते हो तुम। मैं नॉर्मल नहीं लगता? क्या फर्क आ गया मुझमें? नहीं विकास, मुझे तो लगता है तुम पहले से कहीं ज्यादा प्यार करने लगे हो, कहीं ज्यादा नॉर्मल हो गए हो। ये तो अच्छी बात है, नहीं? और ये भी कि ये ज्यादा प्यार करना, ज्यादा नॉर्मल होना, इसलिए इसलिए कि वो हादसा मेरे साथ हुआ, तुम्हारे साथ नहीं। जान कैसी बातें कर रही हो? एक एक हादसा हुआ, गुजर गया, अब उसे लेकर मुझे किसी का रहम नहीं चाहिए विकास। रहम पर पड़ा रहने वाला बोझ होता है, और मैं किसी पर बोझ नहीं बनना चाहती। ऐसे क्या देख रहे हो मुझे? मैं कहीं भी चली जाऊंगी। घर छोड़कर? घर अब बचा ही कहां? हाँ, घर की जगह ये हादसा जो बस गया है। सुनो, घर हमने बांट कर जिया है, ये हादसा नहीं बांटूंगी मुझसे। इतना ही साथ था, नहीं संभलता सीमा, अब नहीं संभलता। आदमी आखिर क्या करे, हर चीज की कोई हद होती है। उसकी तकलीफ मैं जानता हूं, पर उसे इस तरह अकेले में घुटते हुए, फिर यह इल्जाम, हर तरह की कोशिश की। नहीं सीमा, कोई कुछ नहीं कर सकता। कोशिश, यही तुम्हारी प्रॉब्लम है, कोशिश। ये तुम कह रहे? हाँ विकास, अब तुम कोशिश करते हो, कुछ भी होता नहीं, करना पड़ता है। इस हादसे से पहले तो ऐसा नहीं था। तुम यही कहना चाहती हो? कुछ जख्म ऐसे होते हैं जिन्हें भरने के लिए एक उम्र भी कम होती है। औरत हूँ इसलिए इस बात को ढंग से समझ सकती हूँ। अगर वो वाकई तुमसे दूर जाना चाहती तो कभी की जा चुकी होती, पर कहीं ना कहीं वो जानती है उसके जख्म एहसास का मरहम सिर्फ तुम्हारे पास है। विकास, मैं विकास, उसके जख्म एहसास का मरहम सिर्फ मेरे पास है, मेरे पास, सिर्फ मेरे पास। Thank you.
सॉरी जान, परेशान कर दिया तुम्हें। सो जाओ, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं। क्यों नाटक करते हो? नाटक करते करते थक नहीं जाते? तुम ऐसे नाटक करती हो? मैं नाटक करता हूं तुम्हारे साथ? मेरा प्यार नाटक नजर आता है तुम्हें? तुमने कहा देखा है, तुमने कहा देखा है कैसी छीरती नजरों से गुजरा हूं मैं, कैसे लोगों की बातें सुनता रहा हूं, लावा भरता रहा हूं कानों में। तुम समझती हो अकेली गुजरी हो इस रास्ते से? तुम अगर यही समझती हो कि वो सब अकेले भोगा है तुमने, ठीक है, तो मुझे जाने दो यहां से, जाने दो कि सांस ले सकूं। अब इस घुटन में जिया नहीं जाता। क्यों घोट कर मार देना चाहते हो? मैं तुम्हें मारना नहीं चाहता। अगर घर के बाहर ही सांस आएगी तुम्हें, जाओ, चली जाओ। कहाँ चलना है मैम साहब? बॉम्बे सेंट्रल।
नहीं,